दोस्तों क्या आपने एक ऐसे आइलैंड को देखा है जो पूरी तरह से केकड़ों से भरा हुआ है? और क्या आपने एक ऐसी झील को देखा है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षी पत्थर के बन जाते हैं? और इसी बीच हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में भी बताएंगे जहां पर बड़े से बड़े पत्थर अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों दुनिया के टॉप 7 मोस्ट डेंजरस नेचुरल फिनोमेनास को देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की डेंजरस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 7, गुरुनियंस बीचिंग। इस तरह की घटनाएं मैक्सिको और कैलिफोर्निया में देखने को मिलती हैं। ये बेहद ही अद्भुत और अनोखी घटना है। आप जो मछलियाँ देख रहे हो वो गुरुनियन हैं, जो कि मछली की ही एक प्रजाति है। यहाँ पर छोटी छोटी सिल्वर कलर की गुरुनियन एक साथ बीच पर आती हैं। असल में ये उनके लिए एक प्रजनन प्रथा है जो सिर्फ मैक्सिको और कैलिफोर्निया के बीच पर देखने को मिलती है। ये सारी मछलियाँ किनारे पर प्रजनन करने के लिए आती हैं और अंडे देकर वापस चली आती हैं। अगले 10 दिन तक ये अंडे रेत में छिपे रहते हैं। इसके बाद इनसे छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं। यहाँ पर औसतन 3600 अंडे जमा हो जाते हैं। नंबर 6, मोनार्क बटरफ्लाई स्वार्म। यह एक ऐसा अनोखा अनदेखा दृश्य है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये प्राकृतिक दृश्य आपको नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के मध्य जंगलों में ही देखने को मिलेगा। तितलियों की इस प्रजाति का नाम मोनार्क है। ये तितलियाँ हर साल गर्मी और पतझड़ में समुद्र तट पर एकत्रित होती हैं और मैक्सिको के जंगल में मंडराती और विश्राम करती हैं। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में तितलियाँ होती हैं जो कि झुंड बनाकर रहती हैं। आपने अधिक से अधिक एक ही प्रजाति की 10 या 20 तितलियों के झुंड को देखा होगा, लेकिन ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको तितलियों से भरा ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कहीं भी ऐसा दृश्य देखना मुमकिन नहीं होगा। मोनार्क की तितलियों के झुंड को देखने दुनिया भर से पर्यटक और फोटोग्राफर सर्दियों के मौसम में मैक्सिको के पहाड़ी जंगलों में आते हैं। नंबर 5, डूर टू हेल। रूस के तुर्किस्तान में बने इस होल को नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। इस खतरनाक गैस फील्ड को वैज्ञानिकों ने 1970 में खोजा था। ये बेहद ही खतरनाक जगह है। इसे इंसानों के लिए डेंजर घोषित कर दिया गया था, लेकिन समय के चलते तुर्किस्तान की सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस होल से मीथेन गैस के लगातार निकलने की वजह से इस होल में आग लगा दी गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह आग तब से लेकर अब तक लगातार जल रही है। इस होल का व्यास 230 फीट और गहराई 98 फीट है। आपको बता दें कि एडवेंचर्स के शौकीन लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से कई तरह के स्टंट भी करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना इस होल को बेहद ही करीब से देखते हैं। नंबर 4, दी नेपाली हनी हंटर्स। ये मधुमक्खियाँ हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेपाल में रहने वाले लोग जान की परवाह किए बिना इस शहद के लिए कई खतरनाक खड़ी चढ़ाई करते हैं। ये नेपाली लोग मधुमक्खियों के दर्द भरे डंक का सामना करते हुए उनके छत्ते से शहद को निकालते हैं, क्योंकि ये कोई आम शहद नहीं है। इसे मैड हनी भी कहा जाता है। इसे मैड हनी कहे जाने के पीछे इसमें कई गुण छिपे हुए हैं, जैसे स्वादिष्ट के साथ साथ ये बीपी जैसी बीमारी को भी कम कर देता है। इसीलिए नेपाली लोग इस हनी को निकालने के लिए अपनी जान तक को दाव पर लगा देते हैं और इसी वजह से इस हनी की कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। ये मार्केट में 4500 से 6000 रुपए किलो तक बिकता है। नंबर 3, लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक ऐसी झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे। कोई भी इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स झील में गिरकर पत्थर के क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने इन पक्षियों को अपनी तरफ खींचा होगा और इन पक्षियों के पानी में गिरने के बाद पानी में नमक और सोडा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होगी। नंबर 2, क्रिसमस आइसलैंड रेड क्रैब्स। अजीबोगरीब चीजों से भरी इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जो पूरी तरह से केकड़ों से भरा हुआ है, जिसे क्रिसमस आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड पर जहाँ तक आपकी नजर पड़ेगी वहाँ तक आपको सिर्फ केकड़े ही केकड़े दिखाई देंगे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो ये केकड़े जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये केकड़े बाहर निकल आते हैं और इस दौरान आइलैंड पर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इनकी संख्या 10 या 20 हजार नहीं बल्कि 10 से 20 लाख तक होगी। दोस्तों आपने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, सेलिंग स्टोन्स। डेथ वैली नेशनल पार्क उत्तरी अमेरिका का सबसे सूखा इलाका है। यहाँ पर मौजूद रेस ट्रैक प्लाया, जो कि एक सूखा तालाब है और लगभग पूरी साल सूखा ही पड़ा रहता है। इस जगह की चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर मौजूद पत्थर अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हालांकि किसी ने इन पत्थरों को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन इनके पीछे बनी सीधी लकीर से ये साफ जाहिर होता है। कुछ पत्थरों के पीछे तो ये निशान कई किलोमीटर दूर तक है। कुछ लोगों का मानना है कि इस घटना के पीछे इंसानों और जानवरों का हाथ भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इन पत्थरों के पीछे केवल पत्थर के घसीटने के निशान है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है। ये सवाल कई साल तक लोगों को परेशान करता रहा कि आखिर पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चले जाते हैं।
इसके बाद सन 2013 में इसकी रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों ने पत्थरों पर GPRS टैग लगाया और लाइव वीडियो के दौरान इस घटना को कैमरे में कैद करने की कोशिश की और इससे पता चला कि इस इलाके में होने वाली हल्की ठंडी बारिश की वजह से एक पतली बर्फ की परत बन जाती है और जब यह बर्फ पिघलती है तब पत्थर इसके ऊपर फिसलते हैं। इस रिसर्च में छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था लेकिन बड़े पत्थर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते हैं, इसका पता साइंटिस्ट अभी तक नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपकी लाइफ में इस तरह की कोई घटना घटित हुई है या फिर इस तरह की घटना के बारे में सुना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अद्भुत और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।